Assalamu Alaikum dear students my name is Mubashra Manzoor welcome to my class where we are going to study computer sciences of grade 12 आज का जो हमारा टॉपिक है वो है रिलेटेड टू प्रोग्रामिक एग्जांपल्स ऑफ अरिथमेटिक ऑपरेटर्स आपने ऑलरेडी देखा कि हमने लेक्चर्स में कवर किया है कि सी में अरिथमेटिक ऑपरेटर्स क्या होते हैं हमने ऑपरेटर्स को भी देखा है लेकिन इस लेक्चर में हम हैंड ऑन प्रैक्टिस करेंगे और पहली दफ़ा हम अपने एडिटर को भी यूज़ करके देखेंगे कि किस तरह से हम उस पर डिफरेंट तरह की जो एल्गोरिदम्स हैं और जो हमारी प्रॉब्लम्स हैं उनको हम ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं इन द फॉर्म ऑफ अ कोड राइट सो लेट्स गो टूवर्ड्स द लेक्चर सो डियर स्टूडेंट्स जैसे कि मैंने आपको बताया कि आज का जो लेक्चर होगा दैट विल बी मोर फोकसड ऑन लाइव प्रोग्रामिंग या लाइव कोडिंग यानी हम देखेंगे कि जो जो कॉन्सेप्ट हमने पढ़े हैं अभी तक अबाउट ऑपरेटर्स इन सी एंड द प्रीवियस कॉन्सेप्ट इज वेल दैट हाउ डू असाइन वेरिएबल वैल्यूज हाउ डू एक्चुअली डिक्लेयर द वेरिएबल्स और उस तरह के बहुत सारे ऐसे कॉन्सेप्ट जो हमने ऑलरेडी पढ़े हैं और हमने स्ट्रक्चर भी पढ़ा था बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द सी प्रोग्राम सो वो सारे के सारे आज हम प्रोग्राम जो है इनकॉपरेट करके देखेंगे कि किस तरह से वो प्रोग्राम रन करता है प्लस इट विल बी एन इंट्रोडक्शन टू एन एडिटर यहाँ पर मैं आपको एक छोटा सा चेंज uh, जो है वो ज़रूर uh, बताना चाहूँगी कि हमने जब बुक में देखा था Uh, आपकी बुक में uh, इससे पिछले चैप्टर्स में मैंने आपसे कहा था कि टर्बोसुई तो प्लस प्लस है जो आप यूज़ कर सकते हैं फॉर कंपाइलेशन ऑफ द प्रोग्राम्स एंड फॉर रनिंग योर कोड इसी के साथ साथ मैंने आपको ये भी बताया था कि बहुत सारे और कंपाइलर्स और एडिटर्स भी मौजूद हैं uh, जिनको आप यूज़ कर सकते हैं मैंने आपको दिखाया भी था कि आप डेफ सी प्लस प्लस को यूज़ कर सकते हैं डेफ सी को यूज़ कर सकते हैं इसी तरह विजुअल स्टूडियो भी यूज़ कर सकते हैं सो इन ऑर्डर टू मेक इट ईजियर फॉर यू इंस्टेड ऑफ़ यूजिंग टर्बो सी प्लस प्लस जो कि इस तरह से दिखता है अगर आप देखें तो इसकी स्क्रीन ऐसी होती है बेसिकली इट्स अ डॉस बेस्ड एडिटर और वो जो है थोड़ा सा ओल्डर वर्जन है इट इज़ वन ऑफ द प्राइमरी वर्जन जिसके ऊपर सी सी प्लस प्लस की प्रोग्रामिंग होती थी तो इट इज़ ऑल्सो अ वेरी गुड एडिटर आप लोग इसको यूज़ कर सकते हैं आ, लेकिन उसके अपने कुछ इनहेरेंट इशूज़ हैं यानी कि वो विंडोज़ के साथ या सी के साथ वो कुछ ना कुछ आ, उसके हैंग होने के इशूज़ आते हैं या फिर उसमें आपको लेटेंसी के इशूज़ भी बहुत ज़्यादा आते हैं तो इसलिए इन ऑर्डर टू मेक इट कन्वीनियंट फॉर यू और ये एक अपडेटेड भी आपको इसका फ़्लेवर मिल जाएगा हम डेव सी प्लस प्लस पे प्रोग्राम करेंगे जब मैं डेव सी प्लस प्लस को आज ओपन करूंगी तो आपको बहुत सारी चीज़ें वहाँ से भी पता चल जाएंगी क्योंकि यू आर ऑलरेडी फेमिलियर विद टर्बो सी प्लस प्लस और उसके एडिटर से आप फेमिलियर हैं उसकी आपने वो भी देखी थी कि उसका बैकग्राउंड किस तरह का होता है उसमें मेन्यू uh, बार में क्या क्या चीज़ें हैं इसी तरह हम डेव सी प्लस प्लस को यूज़ करेंगे वो भी आपको पता चल जाएगा इट इज़ वेरी ईजी टू इंस्टॉल आप डेव सी प्लस प्लस का जो uh, एक फ़ाइल है यानी जो आप सर्च uh, करें गूगल पे कि डेव सी प्लस प्लस को आपने इंस्टॉल करना है आपको उसकी एक एग्जीक्यूटिबल uh, फाइल जो है वो मिलेगी जो आप डाउनलोड करेंगे उसको डाउनलोड करने के बाद आप उसे रन करें और इंस्ट्रक्शन को फॉलो करते जाएँ और इसको इंस्टॉल कर लें अपने कंप्यूटर्स पर जब आप इंस्टॉल कर लेंगे उसके बाद मैं आपको दिखाऊंगी कि वो किस तरह से ओपन होता है और ओपन हो के आप उसके अंदर कोड किस तरह से लिख सकते हैं देर इज़ नथिंग टू वरी अबाउट इट के आप कौन सा एडिटर यूज़ कर रहे हैं, बिकॉज इवेंचुअली प्रोग्रामिंग जो है वो सेम ही रहेगी इन एडिटर्स इट इज़ सिंपलर टू प्रोग्राम इट इज़ ईजियर टू रन और वो Uh, बहुत ज़्यादा एक्सटेंसिव भी नहीं है आपके सिस्टम्स के ऊपर या उनकी कोई बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट्स uh, नहीं है ऑन योर सिस्टम्स जैसे विजुअल स्टूडियो है उसको हम इसलिए यूज़ नहीं कर रहे कि यू नीड सर्टन स्पेसिफिकेशन इन यूर प्रोग्राम और फिर वो हो सकता है कि वो आप लोगों को कुछ टफ़ भी लगे इंस्टॉल करने में और और चीज़ें सो so, हम इसीलिए डेफ सी प्लस एक मिडल वे हमने ढूंढा है जिसमें हम क्या करेंगे कि डी सी प्लस प्लस को यूज़ करेंगे इवन एट यूनिवर्सिटी लेवल्स भी uh, आप डेफ सी और डी सी प्लस प्लस यूज़ कर रहे होते हैं तो दैट्स सम थिंक वी आर गोइंग टू डू वी प्रोग्राम आर कोर्ड ऑन सी प्लास्टर ऑनवर्ड्स मेरी रिकमेंडेशन ये है कि आप जो हैं वो अपने कंप्यूटर्स पे ये इंस्टॉल कर लें ऑलरेडी ताकि जैसे ही हम ये लेक्चर कंप्लीट करें आप उसको खुद से भी प्रैक्टिस करके देख सकते हैं खुद से रन करके देख सकते हैं एंड दैट विल भी मोर इंटरेस्टिंग फॉर यू दैन जस्ट लुकिंग मी है सो so, आप लोगों को ने आज क्या हमने कोड करना है मैंने एक छोटी सी प्रॉब्लम लिखी है अगर आप देखें यहाँ पर तो आई हैव गिवन यू टू वेरिएबल्स यू हैव टू डिक्लेयर देम यू हैव टू परफॉर्म सर्टन ऑपरेशन ऑन देम कौन कौन से ऑपरेशन लिखे हुए एडिशन मल्टीप्लीकेशन सब्ट्रैक्शन एंड डिविजन राइट यानी कि बेसिक एरिथमेटिक ऑपरेशन हमने परफॉर्म करने हैं ऑन टू दीज वेरिएबल्स जो कि गिवन है बट वी हैव टू राइट अ कोड फॉर इट तो लेट्स गो मूव ऑन टू द एडिटर एंड फिर हम उसमें देखते हैं कि uh, हम किस तरह से इसको कोट कर सकते हैं सो डियर स्टूडेंट्स जैसे कि मैंने आपको बताया था कि अब से ऑन द हम uh, जो प्रोग्रामिंग लेक्चर है उसको डिस्कस करेंगे हम देखेंगे कि uh, आप किस तरह से एडिटर को यूज़ कर सकते हैं इन ऑर्डर टू एग्जीक्यूट योर प्रोग्राम्स योर प्रॉब्लम सॉल्विंग स्टार्टिंग फ्राम द प्रॉब्लम टू द एलग्रिदम्स दैन हाउ डू एग्जीक्यूट ऑन द एडिटर और एनी आईडी दैट यू यूज मैंने आपको ये भी बताया था कि मल्टीपल तरह के आई डिफरेंट तरह की लैंग्वेजेस के लिए यूज हो सकते हैं एंड दे ऑल आर प्रिटी मच दिख आर वेरी माइनर और उससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप कौन सा एडिटर जो है वो यूज कर रहे हैं फॉर दिम्पलिस वी आर यूजिंग देफ सी प्लस प्लस ऑल दो आपकी जो बुक है उसमें ट्रबोसी प्लस प्लस को फोकस किया गया है और मैंने आपको वो भी दिखाया था कि किस तरह से हो सकता है लेकिन क्योंकि टबोसी डॉस बेस्ड एप्लीकेशन है और इट इज़ अ लिटिल ओल्डर वर्जन ऑफ़ द आई डी इज दैट आर बींग यूज फॉर सी और सी प्लस प्लस प्रोग्राम्स उसमें होता यह है कि uh, थोड़े से उसके अंदर लेटेंसी के इश्यूज़ भी हैं और कभी कभार वो एप्लीकेशन थोड़ा सा हैंग हो जाती है या उसके अंदर कुछ प्रॉब्लम्स uh, जो हैं वो आ रहे होते हैं एट यूज़र एंड तो इसमें uh, आप लोगों की प्रॉब्लम्स को अवॉइड करने के लिए व्हाट आई वुड सजेस्ट यू टू डू इज़ टू इंस्टॉल डेफ सी प्लस प्लस आपको इजीली उसका सेटअप जो है वो ओपन सोर्स है और आपको ईजिली अवेलेबल होगा ऑन द इंटरनेट आप डेफ सी प्लस प्लस को इंस्टॉल करेंगे तो आपके पास इस तरह की एक स्क्रीन विजिबल uh, होगी जैसे आपको मेरी स्क्रीन पर नजर आ रही है Uh, जब आप इसको यूज़ करेंगे तो इट इज़ वेरी सिंपल टू यूज मैं आपको सिंपल बता देती हूँ जिस तरह से मैंने आपको एक लेक्चर में ये भी बताया था कि टबोसी में किस किस तरह के, के मेन्यू में आपके पास ऑप्शन अवेलेबल हैं इसी तरह यहाँ अगर आप देखें तो न्यू में मेरे पास सोर्स uh, फाइल्स और प्रोजेक्ट दोनों की ऑप्शन मौजूद है जब मैं पहली दफा अपना प्रोग्राम क्रिएट करूंगी इंस्टेड ऑफ क्रिएटिंग अ सोर्स फाइल इट्स बेटर दैट आई क्रिएट अ प्रोजेक्ट यू कैन क्रिएट मल्टीपल सोर्स फाइल्स विद इन वन प्रोजेक्ट But you cannot create multiple projects within one इन वन सोर्स दैट इज वेरी ऑब्वियस ठीक है जब मैंने क्लिक किया तो मेरे पास ये एक विंडो ओपन हुई जिसने मुझसे पूछा कि मुझे कौन सी लैंग्वेज एक्चुअली सिलेक्ट करनी है अगर आप देखें तो मैंने आपसे कहा था कि दोनों तरह की लैंग्वेजेस यानी कि सी और सी प्लस प्लस दोनों ही डेब सी प्लस प्लस में केटर हो जाती हैं। सो इज इन टो सी प्लस प्लस और आप अपनी जो फाइल है सोर्स फाइल उसकी एक्सटेंशन कर करें हैं बाय क्लिकिंग ऑन सी प्रोजेक्ट यहाँ पे आप देखें कितना इजी है कि आप उसको बता रहे हैं टबोसी में ऑन दी अदर हैंड अगर आप देखें तो आपको जब आप फाइल सेव करते हैं तब extension के साथ आप C या C++, जो है 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 वो mention करते हैं और तो ठीक इसके अलावा आपके पास बहुत सारे ऑप्शन हैं कि आप किस किस तरह की एप्लीकेशन के लिए ये सोर्स फाइल जनरेट करना चाह रहे हैं समटाइम्स क्या होता है कि बहुत सारे आपकी एप्लीकेशन जो हैं वो बनाई जा सकती हैं विद डिफरेंट लैंग्वेजेस इसीलिए क्योंकि ये थोड़ा सा एडवांस आपके पास आई डी है तो उसमें आपके पास अवेलेबिलिटी होती है कि क्या आप एप्लीकेशन डेवलप करना चाह रहे हैं या आप सिंपल प्रोग्राम लिखना चाह रहे हैं हमारे केस में सिंस वी वांट टू राइट द कोड्स एंड वी वांट टू एग्जीक्यूट देम वी वांट टू सी कि वो किस तरह से एग्जीक्यूट होते हैं हमने अभी एप्लीकेशन डेवलपमेंट में नहीं जाना उस तरह से सो व्हाट यू आर गोइंग टू डू इज यू विल सिलेक्ट Empty project. आप ये भी कर सकते हैं कि कर लें सी को यहाँ पे आप इसे क्लिक करेंगे तो ये आपको हर दफा सी प्रोजेक्ट में ही जो है वो फाइल ओपन करके देगा या जो सोर्स फाइल है वो सी में ही हमेशा बनाएगा मैं इसको अनचेक इसलिए रहने दे रही हूँ क्योंकि इट इज नॉट वेरी टीडियस टू टेल इट एवरी टाइम सी का प्रोजेक्ट है या सी प्लस प्लस का प्रोजेक्ट है सो आई कैन डिसाइड एवरी टाइम मुझे कौन सी फाइल बनानी है इफ आई एम वर्किंग विद मल्टीपल टीम सी एंड सी प्लस प्लस इज वेल तो उसका मतलब ये है कि मैं दोनों पे काम कर सकती हूँ विद द सेम एडिटर मैं प्रोजेक्ट का कोई नाम लिख देती हूँ ठीक है मैं यहाँ इसे कहती हूँ कि दिस इज प्रोजेक्ट वन जीरो वन ठीक है इसका कोई भी नाम आप इसे दे सकते थे दर इज नथिंग रॉन्ग विद एनी काइंड ऑफ नेम अब आप so, आप उसे कहीं भी भी करवा सकते हैं. आप जो भी पार्थ देंगे वहां पे वो सेव हो जाएगा. एक बेहतर तरीका ये होता है कि फोल्डर ऑन योर डेस्कटॉप और इन योर एनी अदर ड्राइव और वहां पे आप अपने सारे के सारे जो कोड्स हैं एक ही जगह पे सेव करते जाए अगर आप देखें यहाँ तो प्रोजेक्ट के अंदर मुझे एक फाइल का ऑप्शन नजर आ रहा है यानी कि अनटाइटल्ड टाइटल्ड टू के नाम से मैं इस फाइल को भी रीनेम कर सकती हूँ बाय द नेम ऑफ द फाइल मैं उसे कह देती हूँ माय फर्स्ट प्रोग्राम माय फर्स्ट प्रोग्राम को मैं सेव कर देती हूँ एज सोर्स फाइल देर इज अ चांस कि ये मुझसे दोबारा भी फाइल क्या जो पाथ है वो दोबारा भी पूछेगा जब मैं इसको एग्जीक्यूट करूंगी इसके बाद आप क्या करेंगे सबसे पहले हमारा जो बेसिक एक स्ट्रक्चर ऑफ द कोड है उसको हम डिफाइन कर लेते हैं यानी अगर मुझे यूज़ करना है प्रिंट एफ का फंक्शन विच इज़ टू प्रिंट समथिंग ऑन द स्क्रीन तो उसके लिए मुझे ये पता है कि आई हैव टू एड अ स्टैंडर्ड हेडर फाइल विच इज़ एस टी डी आई ओ डॉट एच और स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट लाइब्रेरी राइट तो इसका मतलब ये है कि मुझे सबसे पहली चीज़ जो अपने एडिटर uh, में लिखनी है वो प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव है और उसके साथ हेडर फाइल है ठीक है प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव जो अभी तक हमने यूज़ किया है दैट इज़ इन ऑर्डर टू इंक्लूड हेडर फाइल्स हम इंक्लूड यूज़ करते हैं इंक्लूड के आगे मैंने उसकी हेडर फाइल का नाम लिखा है एस टी डी आई ओ डॉट एच जब हम सी यूज़ कर रहे होते हैं तो नॉर्मली हेडर फाइल के साथ डॉट एच लिखा जाता है सी प्लस प्लस में ऑन द अदर हैंड डॉट एच नहीं लिखा जाता सिर्फ हेडर फाइल का नाम लिखा जाता है दैट्स अ माइनर डिफरेंस बिटवीन सी एंड सी प्लस प्लस हेडरफाइल्स वाइट के साथ मैं मेन ऐड कर देती हूँ और उसके बाद देर इज़ अ स्कोप ऑफ माई मेन तो इतना प्रोग्राम तो है जो आप हर कोड लिखने से पहले ज़रूर लिखेंगे बिकॉज इन एवरी प्रोग्राम प्री मच यू आर यूजिंग एस टी डी आई ओ डॉट एच क्योंकि आपने किसी भी प्रोग्राम में या तो कुछ प्रिंट करवाना होगा या कोई इनपुट लेनी होगी विच मीन्स ट यू नीड दैट काइंड इतना प्रोग्राम तो आपको लिखना ही पड़ेगा आप किसी भी प्रोग्राम को स्टार्ट भी कॉम्प्लेक्स प्रोग्राम में जाएं, कितनी भी कॉम्प्लेक्स या सिंपल आपकी प्रॉब्लम है दिस इज द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कोड हमने देखा था कि जो ऊपर वाली इंस्ट्रक्शंस होती हैं यानी जो होती है या जो प्री प्रोसेसर डायरेक्टर्व होते हैं दे आर नॉट एग्जीक्यूटेबल इंस्ट्रक्शन क्योंकि Uh, आपके पास जो एंट्री पॉइंट ऑफ द प्रोग्राम होता है वो होता है मेन यानी कि एग्जीक्यूटेबल इंस्ट्रक्शन सारी की सारी हम लिखते हैं मेन के अंदर ठीक है तो मेन फंक्शन का अगर आप देखें स्कोप है यानी स्टार्टिंग एंड एंडिंग अगर टर्बोसी में आप देखें तो वो आपको इस तरह से ये स्कोप स्पेसिफाई uh, नहीं करेगा यहां अगर आप देखें तो उसने स्टार्टिंग डेलीमीटर से लेके जो क्लोजिंग डेलीमीटर है वहां तक एक लाइन स्पेसिफाई की हुई है कि थ्री से फाइव के दरम्यान में जो स्कोप है दैट इज फॉर दिस पर्टिकुलर मेन फंक्शन ठीक है तो ये कुछ जो एडवांस्ड एडिटर्स हैं या जो कुछ मॉडर्न एडिटर्स हैं उसके अंदर कुछ इस तरह की भी छोटी छोटी चीजें हैं जो आपको और uh, चीजें सिंप्लीफाई करके दे देती हैं आपको ऐसा ऐसा पता चलेगा कि इसकी क्या सिग्निफिकेंस हो सकती है फॉर एग्जाम्पल अगर ये लाइन मिसिंग है इसका मतलब है कि मेरी टर्मिनेशन भी मिसिंग है यानी मैंने प्रोग्राम को जो ओपनिंग ब्रैकेट है वो तो लिख दी थी क्लोजिंग ब्रैकेट शायद मैं लिखना भूल गई हूँ तो उससे आपको देखने से ही पता चल रहा था कि यहाँ पे वो ब्रेक हो गई थी उसकी कंटिन्यूटी सो दैट इज़ हाउ द एडवांस एडिटर्स आर लिटिल बिट मोर हेल्पफुल वाइड वा� Uh, अब हम लिखते हैं हम क्या करेंगे सबसे पहले मैं आपसे कहती हूं कि आप एक छोटा सा प्रोग्राम लिखें जिसके अंदर आपने दो नंबर्स को ऐड करवाना है और उसका रिजल्ट प्रिंट करना है ऑन द स्क्रीन ठीक है तो इसका मतलब यह है कि मुझे दो वेरिएबल्स डिक्लेयर करने की जरूरत है मैं इंटीजर टाइप के ही डिक्लेयर अभी कर देती हूँ वेरिएबल्स आप चाहें तो डिफरेंट डेटा टाइप्स यूज कर सकते हैं यू आर प्रेटी मच फेमिलियर विद ऑल काइंड ऑफ डेटा टाइप्स दैट दैट आर अवेलेबल इन सी व्हिच मींस यू कैन प्ले विद ऑल ऑफ देम अब मैंने एक वेरिएबल लिखा ए और एक वेरिएबल बी और मैंने दोनों को इनिशलाइज कर दिया इसका मतलब यह है कि अभी तक हमने डेफिनेशन नहीं की इन वेरिएबल्स की सिर्फ और सिर्फ हमने इनको डिक्लेयर किया है विच मीन कि आपके पास डेफिनेशन जो है वो अभी बाकी है इसका मतलब ये कि मुझे इसको वैल्यू असाइन करनी पड़ेगी असाइनमेंट जो है वेरिएबल की दैट इज समथिंग दैट आई स्टिल हैव टू डू तो मैं इसमें कुछ ना कुछ वैल्यूज जो है मैं स्टोर करवा लेती हूँ विच इज फिफ्टी एंड ट्वेंटी ठीक है अब मैंने दो वेरिएबल्स ले लिए हैं उन दोनों वेरिएबल्स को डिक्लेयर भी करा लिया है उसमें असाइनमेंट भी कर ली है वैल्यूज की नाउ आई हैव टू टू ऐड नंबर्स सो सिंपल है तरीका ये है दैट आई टेक एन अदर वेरिएबल एंड आई स्टोर द आंसर इन टू दैट अब अगर आप देखें तो मैं लिखने लगी थी सी इज इक्वल टू ए प्लस बी बट आई रियलाइज कि मैंने अभी तक सी वेरिएबल को डिक्लेयर नहीं किया मैं उस वेरिएबल को कह देती हूँ रिजल्ट मैंने एक वेरिएबल और डिक्लेयर करा दिया जिसमें मैं आंसर स्टोर करवाऊंगी ए और बी का यानी कि सम का आंसर स्टोर करवाऊंगी ठीक है तो इसका मतलब यह है कि रिजल्ट इज सपोज टू बी ए प्लस बी राइट अब अगर हम इस प्रोग्राम को रन करें तो डू थिंक दैट इट विल गिव अस सम सॉर्ट ऑफ आउटपुट इट डेफिनेटली विल पहले उसने देखे मुझसे दोबारा पूछा कि इसको कहाँ पे स्टोर करना है इफ आई एम आस्किंग इट टू स्टोर एट डेस्कटॉप तो ये डेस्कटॉप पे स्टोर कर लेगा इसने मुझे कहा इसमें जीरो एरर्स हैं जीरो वार्निंग्स हैं इसका मतलब ये है कि माई प्रोग्राम इज सक्सेसफुली कंपाइल्ड और अगर आप देखें तो प्रोग्राम ने कुछ भी रिटर्न नहीं किया या मेरे पास जो कोई आंसर है वो तो डिस्प्ले नहीं हुआ स्क्रीन पे वाई इज दैट हैपनिंग मैंने जैसे पहले कहा था कि इससे कुछ ना कुछ प्रोग्राम का रिजल्टन तो आएगा यानी प्रोग्राम एग्जीक्यूट तो हो जाएगा क्योंकि प्रोग्राम इज कंपाइलिंग अच्छा अगर आप इस प्रोग्राम को देखें तो बेसिकली दिस प्रोग्राम इज रनिंग सक्सेसफुली बट इट इज़ नॉट गिविंग अस द डिज़ायर्ड आउटकम मेरी डिजायर्ड आउटकम क्या थी कि मैं ये चाह रही थी कि ए और बी एड हो गए हैं तो उनका रिजल्ट मेरे पास यानी कि दोनों का रिजल्ट जो है वो मेरे पास स्क्रीन पे शो हो लेकिन आपने देखा कि जो मैंने रिजल्ट आपको शो किया था उसमें तो ब्लैंक स्क्रीन शो हो रही थी दैट इज़ बिकॉज अगेन प्रोग्रामिंग इज़ नॉट मैजिक यू हैव टू गिव कमांड्स टू द प्रोसेसर और द रोट और द कंप्यूटर यू हैव टू आस्क टू डू सर्टन थिंग्स दैट यू वॉन्ट इट टू डू इसका मतलब ये है कि हमने उसको ये तो कहा कि रिजल्ट Uh, में स्टोर कर दें और प्लस बी का आंसर मैंने उसको ए और बी की वैल्यूज़ भी दे दी उसका रिजल्ट भी सम के आ गया रिजल्ट ए और बी का सम जो है वो रिजल्ट में स्टोर भी हो गया लेकिन आई डेंट आस्क एनीयर इन माई प्रोग्राम टू प्रिंट दैट ऑन द स्क्रीन तो उसके लिए एक इंस्ट्रक्शन है हमारे पास प्रिंट एफ की जो हमने ऑलरेडी लेक्चर में देखा है कि प्रिंट एफ का मतलब ये है दैट यू कैन प्रिंट एनी थिंग ऑन द स्क्रीन राइट तो अब मैं उसको कहती हूं कि यहां पे प्रिंट करवा दे क्या प्रिंट करवाना है दैट सम ऑफ़ ए एंड बी इज इक्वल टू मेरे पास ए और बी का सम प्रिंट करके उसने देना है और कहाँ पे प्रिंट करके देना है इसके राइट नेक्स्ट टू इट और हमने ये भी देखा कि किस तरह से हम आ, आ, स्पेसिफायर्स यूज कर सकते हैं ये नेक्स्ट लेक्चर्स में हम देखेंगे कि हम स्पेसिफायर्स किस तरह से यूज कर सकते हैं डेटा टाइप के स्पेसिफायर्स किस तरह से यूज कर सकते हैं इनको हम फॉर्मेट स्पेसिफायर्स भी कहते हैं अगर मैं यहाँ पे प्रिंट एफ जैसे कि हमने प्रिंट की कमांड पढ़ी थी और हमने देखा हम पढ़ेंगे भी इन कमिंग लेक्चर्स उसमें हम डिटेल्स में देखेंगे कि उसके जो कंपोनेंट होते हैं विद इन विद इन द पैरेंथिस या जो आर्ग्यूमेंट वो फंक्शन लेता है वो क्या होता है या उसमें क्या क्या चीजें हमें इंसर्ट करना जरूरी है लेकिन अगर आपको अभी नजर आ रहा है जो चीज मैं चाह रही हूँ कि

अब चूंकि मैंने यहाँ रिजल्ट मैंशन किया है यानी कि मैंने एक ऑप्शनल वेरिएबल यहाँ पे दे दिया है उस वेरिएबल के हिसाब से मुझे ये बताना पड़ेगा कि इक्वल टू के बाद जो वैल्यू आएगी जो रिजल्ट से आएगी उसकी डेटा टाइप क्या है जैसा कि हमने देखा था डेटा टाइप्स के केसेस में भी कि आप लोग हर डेटा टाइप से काफी डिटेल में फेमिलियर हैं तो हमने देखा था कि इंटीजर डेटा टाइप का मतलब ये है कि आपका जो वैल्यू है वो होल नंबर आ सकती है पॉजिटिव या नेगेटिव तो इसका मतलब ये है कि जो सम का आंसर है वो एक होल नंबर ही आएगा कभी वो फ्लोटिंग पॉइंट नंबर नहीं आएगा क्योंकि हमने इंटीजर वैल्यूज ही ली हुई हैं ठीक है ठीके? इसका मतलब ये है कि जब आप रिजल्ट का एक वेरिएबल शो करेंगे यहां पे जहां से वो वैल्यू गेट होनी है और इसके आगे डिस्प्ले होनी है यहाँ आपको एक फॉर्मेट स्पेसिफायर देना पड़ेगा ये फॉर्मेट स्पेसिफायर हम नेक्स्ट चैप्टर में डिटेल में डिस्कस करेंगे आपको सिर्फ अभी याद रखना है कि यहाँ पे आप परसेंटेज डी का साइन लिखेंगे फॉर्मेट स्पेसिफाइड हमेशा परसेंटेज के साथ ही स्पेसिफाई होते हैं उसके आगे आप कोई ना कोई कैरेक्टर देते हैं स्पेशली uh, जैसे यहाँ पे डी है फॉर इंटीजर वैल्यूज सो इट वर्क्स एज अ प्लेस होल्डर प्लेस होल्डर का मतलब कोई ऐसी चीज जिसके अंदर कहीं और से इट इज मोर लाइक अ कंटेनर जहाँ पे कोई और चीज आके प्लेस होनी है और वो uh, कहाँ से आनी है रिजल्ट से आनी है रिजल्ट से जो वैल्यू है वो इस यहाँ पे आके प्लेस होनी है एंड प्लस उसकी डेटा टाइप क्या है दैट इज इंटीजर अब जब हम इसको रन करेंगे तो इट विल एक्चुअली गिव अस द वैल्यू ऑफ रिजल्ट एज वेल ऑन द स्क्रीन तो अब अगर आप इसको देखें तो इट सेज सम ऑफ ए एंड बी इज इक्वल टू सेवेंटी तो आपके पास जब हमने वो कमांड मेंशन की है तो उसी कमांड से हमारे पास रिजल्ट भी प्रिंट होके आ गया है स्क्रीन पे प्रिंट uh, एफ और स्कैन एफ यानी इनपुट आउटपुट के फंक्शंस को भी हमने डिटेल में स्टडी करना है इनटू नेक्स्ट लेक्चर अब अगर मैं आपसे कहूं कि आपने इसी प्रोग्राम को ट्रांसफॉर्म करना है इनटू अ स्मॉल कैलकुलेटर यानी कि इसमें आपने डिफरेंट तरह के एथेमेटिक ऑपरेटर्स यूज़ करने हैं जिनमें सब्ट्रैक्शन है जिसमें मल्टीप्लिकेशन uh, है जिसमें डिवीजन है, जिस है और मॉड्यूल्स है अगर अब मैं इसी प्रोग्राम को ट्रांसफॉर्म करती जाऊँ तो आपके पास एक लेंथियर प्रोग्राम आ जाएगा जिसके अंदर इसी तरह के ऑपरेटर्स जो है वन बाय वन यूज़ हो रहे होंगे अच्छा अगर आप देखें तो मैं रिजल्ट के लिए एक ही रिजल्टेंट जो है वो डिस्प्ले करवा रही हूं यहाँ पे या एक ही रिजल्टेंट का वेरिएबल है जिसमें बार बार जो है वो रिजल्ट जो है वो स्टोर करवाऊंगी अब वो रिजल्ट स्टोर होंगे और पिछला वाला रिजल्ट जो है वो ओवरराइट हो जाएगा सो सिंस आई एम राइटिंग प्रिंट एफ कमांड विद एवरी अदर इंस्ट्रक्शन तो उसका मतलब ये है कि जब एक दफा वो वेरिएबल की वैल्यू यूज हो गई है तो नेक्स्ट टाइम के लिए उस वेरिएबल की वैल्यू चेंज हो जाएगी जिसका यहां पे हमें कोई भी नुकसान नहीं है क्योंकि वी जस्ट वॉन्ट टू डिस्प्ले द वैल्यूज आफ्टर अरिथमेटिक ऑपरेशन ठीक है अगर आप देखें तो अब मैं क्या करूंगी रिजल्ट इज इक्वल टू ए माइनस बी जो मेरे पास दूसरा ऑपरेटर है वो सब्ट्रैक्शन का ऑपरेटर है Similarly, I set it to print the, the print the same thing except that I want to change it to difference of A and B. डिफरेंस ऑफ ए एंड बी भी आपके पास रिजल्ट वेरिएबल से ही आएगा क्योंकि मैंने रिजल्ट में ही ए माइनस बी करवाया है अब होगा क्या कि पहले रिजल्ट में सेवेंटी स्टोर हुआ हुआ था अब फिफ्टी माइनस टू करेंगे तो थर्टी हो जाएगा और रिजल्ट में जाके ओवर राइट हो जाएगा विच मीन अगर मैं सम का रिजल्ट दोबारा से एक्सेस करना चाहूं तो वो मेरे पास नहीं होगा इसको भी ऑल्टरनेट करने का तरीका है तरीका यह है कि आप हर रिजल्ट के लिए यानी कि अगर आपको दोबारा एडिशन की वैल्यू कहीं यूज करनी है या सब्ट्रैक्शन की वैल्यू यूज करनी है या मल्टीप्लीकेशन या डिविजन की वैल्यू यूज करनी है लेट इन इनटू योर प्रोग्राम्स एंड यू वांट देम टू बी रिजर्वड तो आप उसके लिए अलग-अलग वेरिएबल्स -अलग जो है वो डिक्लेयर करें यहाँ पे हमारा कंटेंट है उसके अंदर इसी से हो जाएगा कि यू जस्ट वांट द ऑपरेटर्स टू बी डिस्प्लेड ऑन द स्क्रीन अब अगर देखें मैं क्या कर रही हूं कि मैं एक और रिजल्ट में अब मैं ए एस्टेरिक बी यानी कि मल्टीप्लिकेशन यानी प्रोडक्ट ऑफ ए एंड बी करवा रही हूँ और प्रोडक्ट का आंसर भी मेरे पास ऑब्वियसली परसेंटेज डी ही आएगा यानी कि इंटीजर वैल्यू ही आएगी ऑन दी अदर हैंड इफ आई एम राइटिंग द डिविज़न तो क्या होगा डिविज़न के केस में मेरे पास रिजल्ट की वैल्यू ट्रंकेट हो जाएगी सिंपल ये डिफरेंस आएगा कि ये मेरे पास फ्लोटिंग पॉइंट नंबर हो सकता है दर इज अ पॉसिबिलिटी कि जब आप दो इंटीजियर वैल्यूज को डिवाइड करें तो उसका आंसर एक इंटीजियर वैल्यू ना आए फ्लोटिंग पॉइंट नंबर आ जाए जैसे कि मैं फोर को टू से डिवाइड करती हूँ तो इट्स अ परफेक्ट इंटीजियर यानी कि टू ही आता है आंसर लेकिन अगर मैं फाइव को टू से डिवाइड करती हूँ तो द आंसर इज टू पॉइंट फाइव विच मीन्स दैट इट कैन बी अ फ्लोटिंग पॉइंट नंबर इट डजन हैपन इन द केस ऑफ एडिशन अपट्रैक्शन और मल्टीप्लीकेशन लेकिन यहाँ पे ये यह पॉसिबिलिटी है कि आंसर आपके पास डिफरेंट आ सकता है डिफरेंट डेटा टाइप पे आ सकता है तो इसका सोलूशन ये हो सकता है कि अभी के लिए तो मैं इसको रिजल्ट में ही स्टोर uh, करवा रही हूं लेकिन इसका एक uh, तरीका ये भी हो सकता है कि आप एक सेपरेट फ्लोटिंग पॉइंट वेरिएबल जो है वो डिक्लेयर करें और उसमें uh, जो है डिविजन का आंसर स्टोर करवाएं ताकि आपके पास जो आंसर है दैट इज सपोज टू बी एक्यूरेट आंसर इसी तरह अगर आप देखें तो मैं मॉड्यूल्स को भी रिज़ल्ट में मैं मॉडुलस को भी इंक्लूड कर रही हूँ यानी कि मॉडल्स ऑपरेटर का मतलब है कि मेरे पास परसेंटेज का साइन आ रहा है परसेंटेज का यहाँ पे मतलब एब्सोल्यूट परसेंटेज नहीं है बल्कि मेरे पास इसका मतलब है कि रिमेंडर आफ्टर डिवाइडिंग ए एंड बी क्या आता है वो मेरे पास आ जाएगा रिजल्टेंट ऑफ मॉडुलस यहाँ पे भी अगर हम देखें तो इट कैन बी डिफरेंट थिंग यानी कि यहाँ पे भी हमारे पास डेटा टाइप डिफरेंट आ सकती है क्योंकि जब रिमाइंडर कैलकुलेट करते हैं तो देर इज अ चांस कि शायद वो कंप्लीट रिमाइंडर ना आए नो दिस इज नॉट पॉसिबल क्योंकि अगर हम रिमाइंडर की बात कर रहे हैं जो हमारे पास वैल्यू है क्वेश्चन की वैल्यू है वो हमारे पास फ्लोटिंग पॉइंट में आ सकती है लेकिन जो रिमाइंडर है इट विल प्रिटी मच बी इन टीचर वैल्यू तभी तो आपकी कंप्लीट डिविजन नहीं हो पा रही इसीलिए तो आपके पास रिमाइंडर आ रहा है सो लॉजिकली भी चीज़ों को सोचना चाहिए अब हम इसको यहाँ पे मैंने प्रोडक्ट डिफरेंस आ गया मेरे पास यहाँ पे मेरे पास जो है वो क्या है डिविजन डिविजन ऑफ ए एंड बी का आंसर और यहाँ पे मेरे पास क्या है मॉड्यूल्स ऑफ ए एंड बी ठीक है तो अब इनको इसको रन करके देखते हैं और देखते हैं कि हमारे पास क्या रिजल्ट जो हैं वो स्क्रीन पे शो होते हैं uh, मैं एग्जीक्यूट कर रही हूँ कंपाइल एंड रन द प्रोग्राम इट इज़ गिविंग मी नो एरर्स नो वार्निंग्स विच मीन्स माई प्रोग्राम हैज़ बिन कंपाइल्ड प्रिटी मच फाइन अच्छा यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि उसने मुझे सारे के सारे आंसर्स जो हैं वो एक ही लाइन में प्रिंट करके दे दिया अब दिस इज़ नॉट अ प्रॉब्लम एक्चुअली लेकिन अगर आप देखें तो ये बहुत ही क्लटर्ड सी चीज़ लग रही है और मुझे कहीं कहीं पे समझ भी नहीं आ रहा कि ये आंसर्स किस तरह मैं रीड करूं कहीं पे नुमरिक uh, वैल्यू के फौरन बाद जो है वो uh, मेरे पास लेटर्स स्टार्ट हो रहे हैं तो इसको भी एलिमिनेट करने का एक तरीका है वो ये है कि आप यूज़ कर सकते हैं एस्केप कैरेक्टर्स यानी एस्केप कैरेक्टर्स वो होते हैं फॉर एग्जाम्पल आप इन्हें हमेशा बैक स्लैश के साथ मैंशन करते हैं बैक स्लैश एन अगर मैं लिखती हूं तो उसका मतलब है नेक्स्ट लाइन यानी आपके पास जो लाइन अपीयर होगी वो नेक्स्ट लाइन में अपीयर होगी सो इसको भी अभी आप फिलहाल के लिए याद रख लें कि इनको आप हमेशा मेंशन करते हैं विद द स्लैश और ये कहलाते हैं एस्केप सीक्वेंसेस या एस्केप कैरेक्टर्स इनको कहते हैं ये भी आपके कमिंग चैप्टर्स में इंक्लूडेड होगा टॉपिक यहाँ पे एन लिखने का मकसद ये है कि मेरे पास सारे के सारे जो डिफ्रिंट होके आए वैल्यूज वो सेपरेटली ऑन एवरी नेक्स्ट लाइन अपेयर हूं ताकि मेरे पास जो रिजल्ट हैं वो क्लटर ना हो या आपस में मर्ज ना हो अब अगर आप देखें तो इट विल गिव मी अ रिजल्ट विच इज वेरी मच क्लीनर देन बिफोर ये देखें अगर आप तो उसने मुझे कहा सम ऑफ ए एन बी इज सेवेंटी डेफिनेटली डिफरेंस ऑफ ए एन बी इज थर्टी प्रोडक्ट ऑफ ए एन बी इज थाउजेंड क्योंकि एक मेरे पास फिफ्टी था एक ट्वेंटी था आप डिवीजन का आंसर देखें तो डिवीजन का आंसर है ए एंड बी का आंसर टू क्योंकि जब आप डिवाइड करेंगे फिफ्टी uh, को थर्टी से फिफ्टी को ट्वेंटी से तो इसका मतलब है कि उसने क्या किया है कि उसने वो पोर्शन जो कि इंटीजर पार्ट था वो रख लिया है और जो फ्लोटिंग पॉइंट नंबर वाला पार्ट था वो उसने ट्रंकेट कर दिया है या एलिमिनेट कर दिया है क्योंकि आपने उसे स्टोर ही डेटा टाइप में करवाया जिसको आप कहते हैं इंटीजर डेटा टाइप तो उसने सिर्फ इंटीजर पार्ट को रिटेन किया है बाकी को को उसने एलिमिनेट कर दिया है ऑफ ए एंड बी अगर आप देखें तो उसमें 10 आया जब आप 50 को ट्वेंटी टूर फोर्टी उसके बाद आपका रिमाइंडर क्या आ जाएगा दैट इज टेन जो चीज नॉन डिविजिबल है वो टेन है इसीलिए अगर आप रिमाइंडर देखें मॉडल का आंसर देखें तो दैट इज टेन ठीक है तो आई होप दैट इज क्वाइट क्लियर सो फार एक छोटी सी चीज़ जो मैं यहाँ पे कर सकती हूँ वो ये कर सकती हूँ कि मैं डिवीजन के लिए फ्लोटिंग पॉइंट नंबर का एक डिव के नाम से वेरिएबल स्टोर कर लूँ और जो डिवीजन का आंसर है वो मैं डिव से एक्सेस कर लूँ डिव से और मैं रिजल्ट की बजाय उसे डिवीजन यानी के डिव में स्टोर कर दूँ अगर दैट विल बी डिफरेंट वेरिएबल नाउ उसकी डेटा टाइप भी फ्लोटिंग टाइप है तो इसका मतलब है कि नाउ इट शुड अकोमोडेट द वैल्यूज विच आर फ्लोटिंग पॉइंट नंबर लेकिन यहाँ पे एक चीज़ जो अभी तक मैंने चेंज नहीं की वो है ये फॉर्मेट स्पेसिफायर अगर मैंने इंटीजर वेरिएबल से इसको फ्लोटिंग uh, में चेंज किया है तो इसका मतलब है मुझे परसेंटेज के साथ डी नहीं लिखना पड़ेगा बल्कि एफ लिखना पड़ेगा यानी कि फ्लोटिंग पॉइंट नंबर ठीक है अब मैं इसको एग्जीक्यूट करती हूँ तो अब आप इसको देखें नाउ इफ यू सी तो आपके पास डिफरेंट तरह से आंसर आ रहे हैं यानी कि वो अकोमोडेट कर रहा है आ, फ्लोटिंग पॉइंट नंबर को भी सिमिलरली आप यहाँ पे जी और एक और ई भी स्पेसिफाई कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू योर वैल्यूज जो कि बहुत लार्जर या बहुत स्मॉलर हों तो उसके लिए एक्सपोनशियल के लिए भी आप यूज कर सकते हैं ठीक है विद दिस वी आर कमिंग टूवर्ड्स द एंड ऑफ दिस लेक्चर आई होप आपको ये लेक्चर जो है वो uh, समझ में आ गया होगा हैंड्स ऑन प्रैक्टिस भी हो गई है बाई राइटिंग द कोर्ड ऑन द एडिटर सो आई होप स्टूडेंट्स आपको आज का लेक्चर समझ भी आ गया होगा और आपको आज का लेक्चर इंटरेस्टिंग भी लगा होगा रिलेटिवली क्योंकि अभी तक हम बहुत ज़्यादा चीज़ों को लॉजिकल एंड पे देख रहे थे या हम उनके थेराटिकल कॉन्सेप्ट को डिस्कस कर रहे थे लेकिन इस लेक्चर से ऑनवर्ड्स हम प्रोग्रामिंग एग्जाम्पल्स और एडिटर के ऊपर भी अपनी जो प्रोग्रामिंग कोड्स हैं वो रन करके देखेंगे और हमने आज के जो लेक्चर है उसमें देखा भी है कि किस तरह से एक स्मॉलर पोर्शन ऑफ द कोड हम जनरेट कर सकते हैं उसको रन can execute. Kar sakte so uh, with this we are coming to an end and in next lecture we will discuss that how can we use the relational operators in order to uh, transform some of the problems into coding examples.